नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो कोई मार्केट वगैरह की वीडियो नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग गारमेंट्स का काम करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैंने अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करा है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो थोड़ी हेल्प मिल जाए उससे। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको मेहनत करने के साथ साथ थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र भी रखना होता है अपने अंदर, क्योंकि कोई भी काम एकदम से स्टार्ट करके हाई लेवल पे नहीं पहुंचा जाता, धीरे 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 करके ग्रोथ करता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है उन लोगों के लिए जो लोग रेडीमेड गारमेंट का काम करना चाहते हैं, यानी कि कपड़ों का। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखना, आप समझ जाएंगे कि कुछ लोग क्यों फ्लॉप हो जाते हैं गारमेंट के काम में। दोस्तों, रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस भी उन बिजनेस की तरह ही है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास पैसे कम हैं तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं और लाखों रुपये महीने कमा ही नहीं, आप इस बिजनेस में बड़े व्यापारी भी बन सकते हैं। आप इस काम को 20 से 30 हज़ार रुपये में भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए और सक्सेस करने के लिए आपको सस्ता, सुंदर और टिकाऊ ये माल आपको खरीदना है, क्योंकि कस्टमर को हमेशा सस्ता, सुंदर और टिकाऊ ही माल चाहिए होता है। इसके लिए आप दिल्ली में गांधीनगर आ सकते हैं और टैंक रोड भी आ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मार्केट है, और दूसरा गुजरात में सूरत और पंजाब में लुधियाना। मैं आपको बता दूं कि ये होलसेलर और मैन्युफैक्चरर का गढ़ है, इसलिए यहाँ से सस्ते कपड़े आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आके आपको सभी होलसेलर के पास ट्राई करना है, सबके रेट लेने हैं, और फिर उसके बाद जिसका रेट सबसे कम लगे उसके पास भी आपको बार्गेनिंग करनी है, ताकि आप अपने रेट में कपड़े ले सकें। थोड़ा सा मैं आपके साथ प्राइस की बात कर लेता हूँ कि होलसेल में जींस जो होती है वो 100 रुपये से स्टार्ट होती है और 500 रुपये तक की होती है, जो अच्छी जींस होती हैं। और जो 100 रुपये वाली जींस होती है वो हमारी लोकल शॉप पे 500 रुपये तक की बेची जाती हैं, और जो 500 वाली जींस होती है वो 1500 से लेकर 1800 तक की बड़े आराम से बिक जाती हैं। ऐसे ही जो शर्ट होती है वो 80 रुपये से स्टार्ट होती हैं और 200 तक जाती हैं। जो हम लोकल शॉप पे देखते हैं, हमें 80 वाली शर्ट 300 की मिलती है, और जो 200 वाली शर्ट होती है वो हमें 500 की मिलती है। ऐसे ही टी शर्ट हैं होलसेल के रेट में, जो 70 रुपये से स्टार्ट होती हैं और 180 तक जाती हैं, जो कि हमें लोकल मार्केट में जो हमें 70 रुपये वाली टी शर्ट होती है वो हमें 150 की मिलती है, और जो 180 वाली होती है वो हमें 300 साढ़े 300 की मिलती है। लेकिन दोस्तों, आपको इस तरीके से सेल नहीं करना है, यानी कि इस तरीके से काम नहीं करना है, आपको कम मार्जिन में सेल करना है ताकि आपका बिजनेस जल्दी ग्रो हो सके। आपको शॉप के साथ साथ बाजार में भी एक काउंटर लगाकर कपड़े सेल करने चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपकी शॉप इतनी अच्छी नहीं चलेगी जितना कि आपका खर्चा निकल सके। इसीलिए आपको बाजार में भी काउंटर लगाना चाहिए, और वहाँ पर जब कपड़े सेल करें तो कस्टमर को कार्ड दें अपनी शॉप का और बताएं कि मेरी शॉप वहाँ पर है, आप मेरी शॉप पर आइए, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और अच्छे कपड़े और देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों तरीके से आपकी दुकान का एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है और आपकी सेल भी चलती रहती है। ज़्यादातर लोग रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो फिलहाल दुकान के दम पर ही रहते हैं, और दूसरा थोड़ा सा कम मेहनत करते हैं, और दूसरा सबसे जो उनका वीक पॉइंट होता है कि वो कस्टमर से ठीक से बात नहीं करते हैं, यानी कि उनके अंदर एक एटीट्यूड होता है जो कस्टमर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप भी कहीं कुछ सामान खरीदने जाएंगे और आपसे कोई दुकानदार ठीक से बात नहीं करेगा तो आप उससे कपड़े नहीं खरीदेंगे, और कुछ यही हाल कुछ दुकानदारों का होता है जो अपनी शॉप बाद में बंद कर देते हैं, क्योंकि वो बात नहीं करना जानते ठीक से किसी भी बंदे से। और आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको कस्टमर को हमेशा ठीक से बात करनी है, क्योंकि कस्टमर भगवान के समान होता है और कस्टमर की हर बात बर्दाश्त की जानी चाहिए। और ये मेन पॉइंट होता है कि कस्टमर की इज्जत और रिस्पेक्ट करोगे तो ही कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा। चाहे आप उसे थोड़ा सा रेट फालतू बता दो, लेकिन उससे ठीक से बात करोगे तो वो दोबारा आपके पास पक्का आएगा। उसको आप इतना फ्रैंक कर दो अपने से कि वो आपके पास ही आए और आपके सिवा किसी और शॉप पे जाए ही ना। दोस्तों, एक बात और ध्यान से याद रखना, कस्टमर को कभी भी फेस से और कपड़ों से जज नहीं करना, क्योंकि किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता है ये कितने पैसे वाला है और ये कितना गरीब है। और जब वो आपकी शॉप में आए तो आप उसे ऐसा फील कराइए कि वो काफ़ी यूनिक है और उस पर हर कपड़े अच्छे लगते हैं, यानी कि हर फैशन अच्छा लगता है। कस्टमर आपसे कपड़े ले चाहे ना ले, आपको उसको फिर भी रिस्पेक्ट करनी है, ताकि वो आपके पास आज नहीं तो फिर तो कभी ना कभी तो फिर दोबारा आए। दोस्तों, कस्टमर की रिस्पेक्ट करना, और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर।
फ्यूचर के लिए आपके लगन अगर कपड़ों की शॉप में है तो आप खोलिए, मेहनत से काम कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आपकी मैं कुछ हेल्प वेल्प कर सकूँ, तो नीचे कमेंट में भी लिख देना, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में लिख देना। और थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार।